प्रतापगढ़ के बांसवाड़ा रोड स्थित एक कॉलोनी के खाली प्लॉट से गुरुवार 22 फरवरी को युवती का शव मिलने के बाद सनसनी फैल गई थी। पुलिस ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाते हुए साइबर सेल की विशेष तकनीकी टीम के माध्यम से शनिवार को मामले का खुलासा करते हुए प्रेमी और उसके साथी को हिरासत में लिया है। एसपी कुंदन कवरिया ने बताया, युवक शादीशुदा था और युवती उस पर शादी के लिए दबाव बना रही थी। 19 फरवरी के दिन युवती चित्तौड़गढ़ से निकली, दो दिन तक युवक के साथ रही। दोनों में 21 फरवरी की रात को किसी बात को लेकर अनबन हुई और युवक ने उसका गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। घटनास्थल से पुलिस को बस से यात्रा की टिकट और मोबाइल मिला है। एसपी कुंदन कवरिया ने बताया कि 22 फरवरी को सुबह कोतवाली थाने पर सूचना मिली कि एक युवती का शव शहर के बांसवाड़ा रोड पर खाली प्लॉट में पड़ा है। पुलिस ने तकनीकी टीम के माध्यम से साक्ष्य जुटाए तो सामने आया कि युवती का नाम उर्वशी था और वह चित्तौड़गढ़ के प्राइवेट कॉलेज में रहकर बीएड की पढ़ाई कर रही थी। इस दौरान उसका कुलदीप नाम के एक युवक से प्रेम प्रसंग चल रहा था। 19 फरवरी के दिन युवती चित्तौड़ कॉलेज से प्रतापगढ़ आई और युवक के साथ रही। इस दौरान उर्वशी ने कुलदीप पर शादी करने का दबाव बनाया तो दोनों के बीच में झगड़ा हुआ। कुलदीप ने आवेश में आकर युवती का गला दबा दिया जिससे उसकी मौत हो गई। उसके बाद शव को बांसवाड़ा रोड स्थित एक कॉलोनी में लाकर डाल दिया। आरोपी युवक शादीशुदा है, उसके दो बच्चे भी है। अनिल नाम के उसके एक साथी को भी पुलिस ने हिरासत में लिया है, जिसने युवती के शव को ठिकाने लगाने के काम में सहयोग किया। अर्ली मॉर्निंग में कोतवाली थाने पर सूचना मिली कि जो प्रताप नगर कॉलोनी है वहाँ पे एक महिला की डेड बॉडी पड़ी हुई है। इस पर पुलिस ने तुरंत मौके पर रेस्पॉन्ड किया हुआ। मौके का अवलोकन करने के बाद जब प्रथम दृष्टया मर्डर का केस लगा हमें, तो मौके का उच्च अधिकारियों ने विजिट किया। मौके पर साइबर टीम, FSL क्लू टीम वगैरह भेजी गई और मौके से साक्ष्य उठाए गए। इसके बाद सर्वप्रथम विक्टिम की आइडेंटिफिकेशन करके उसकी शिनाख्त की गई, जो वो उर्वशी नाम की महिला निकली, जो कि सुहागपुरा थाने की निवासी है। इस पे उनके परिवारजनों को सूचित कर मुकदमा नंबर 97/2023 धारा 302 में दर्ज करके घटना की गंभीरता को देखते हुए अनुसंधान कोतवाली SHO भगवान लाल जी को सुपुर्द किया गया। इसमें क्योंकि ब्लाइंड मर्डर का केस था तो इसमें एक स्पेशल टीम का भी गठन किया गया। साइबर तथा CCTV से जो अनुसंधान करने के बाद हमें मुलजिम का आइडेंटिफिकेशन किया, वो उसको उठा के उसको दो अभियुक्तों को इसमें गिरफ्तार किया हमने। उनका नाम है कुलदीप व अनिल, दोनों 22 साल और एक 27 साल के युवक हैं और पीपलकोट थाने के निवासी हैं। किस बात को लेकर सर इन्होंने हत्या करी? मुख्य मुलजिम जो कि 302 का है, वो कुलदीप 22 साल का निवासी है, लामा डाबरा पीपलकोट का। उसका जो मृतका थी उससे अवैध संबंध था। मृतका ने उस पर शादी का प्रेशर बनाया हुआ था और वो क्योंकि ऑलरेडी एक शादीशुदा युवक था तो वो शादी नहीं करना चाहता था। इस चीज़ को लेकर उनमें पहले भी झड़प, फ़ोन ब्लॉक करना, ब्लैकलिस्ट करना, इस तरह की हरकतें हुई हैं। तो जब वापस महिला 21 तारीख को उसने अप्रोच किया अक्यूज को और उस पर प्रेशर बनाया, तो इस चीज़ को लेकर उनके छीना झपटी हुई और उसमें आवेश में आके मृतक ने उसका गला घोट कर उसका मर्डर कर दिया। सर प्री प्लानिंग नहीं थी सर, आवेश में आके किया?